तो ये लीजिए दोस्तों, घर पर ही हमारा पेठा बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज टेस्टी भोजन में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पेठा। तो पेठा बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, हम एक बड़ा सा भतुआ लिए हैं, इसी का पेठा बनाया जाता है। तो सबसे पहले इस भतुआ को हम धो लेंगे। तो इसे हम धो लिए हैं, अब इसे काट लेंगे। तो देखिए, सारे पेठा को हम इस तरह से लंबा लंबा काट लिए हैं। अब इसका छिलका उतार लेंगे। अब इसका ये जो बीच वाला भाग है, दाना वाला, इसे भी काट कर हटा देंगे। तो इसी तरह सभी का छिलका उतार कर बीच वाला भाग हटा देंगे। अब इन सभी को धो लेंगे। अब एक ऐसा वाला चम्मच लेंगे और इन सभी पेठे में इसकी सहायता से इसमें अंदर तक छेद कर देंगे। छेद करने के बाद इन सभी को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये लिए हैं खाने वाला चूना, जो पान में लगाया जाता है। अब इसे थोड़ा सा पानी में घोल लेंगे। अब इस चूना पानी को इस पानी में डालेंगे। अब इन सभी पेठे के टुकड़े को इस पानी में डुबोकर 4 से 5 घंटा के लिए छोड़ देंगे। तो 5 घंटा हो गया है दोस्तों। अब इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे। अब चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ाए हैं, इसमें पानी डालेंगे। तो पानी गर्म हो गया है। अब इसमें पेठा को डालकर इसे 8 से 10 मिनट तक उबालेंगे। इसे मीडियम आंच में उबालेंगे। तो पेठा को 10 मिनट तक उबाल लिए हैं। अब इसे छानकर एक जाली वाला बर्तन में रख लेंगे। दोस्तों, कढ़ाई को फिर से धो लिए हैं, इसे चूल्हे पर चढ़ाएंगे। अब इसमें अभी जो पेठा छानकर निकाले थे, इसे डालेंगे। ये लगभग 1 किलो पेठा है, तो हम इसमें 1/2 किलो चीनी डालेंगे। अब इसे चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। तो देखिए, चीनी घुल गया है। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पककर गाढ़ा ना हो जाए। इसे मध्यम आंच में ही पकाएंगे। तो देखिए, चीनी पककर पेठा में ही सोख गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा देर ठंडा होने के बाद यह और भी अच्छा दिखने लगा है और यह बहुत ही रसीला बना है। तो ये लीजिए दोस्तों, घर पर ही हमारा पेठा बनकर तैयार है। इसे हम 1 से 2 दिन बाद ही खाएंगे, तभी ये अच्छा लगेगा खाने में। तो पेठा की हमारी यह रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।